आज मैं बना रही हूँ बनारसी कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत इंस्टेंट बनने वाली है, बड़ी इजी सी रेसिपी है। कोई पकौड़े बनाने का झंझट नहीं है, बहुत सारे मसालों का कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी। गर्मियों में आप बड़े मज़े से खा सकते हैं। और गर्मियों में हम लोगों की साइड तो ऐसा कहा जाता है कि खाने को हमेशा मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि बेसन थोड़ा भारी होता है, उसको पाचन करना थोड़ा टफ होता है, आसानी से पाचन नहीं होता। तो बेसन की पकौड़ी अगर हम बेसन की कढ़ी में और ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो और भी भारी होगी। इसलिए हमारे यहाँ, हम लोग उत्तराखंड से हैं, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कढ़ी भी अगर आप गर्मियों में खा रहे हैं तो थोड़ा पतले खाइए, पकौड़ियों को अवॉइड कीजिए। तो मैंने लिया है एक 2-3 दिन पुराना छाछ का पैकेट, इसमें इसको निकाल लिया है मैंने बर्तन में, और थोड़े से न्यूट्रेला के सोया चंक्स थोड़े से 100 ग्राम के आसपास मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ। इस तरह से अगर आप कढ़ी बनाएंगे ना, एक तो ये झटपट बनती है, दूसरा खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है। पानी में डाल के उसको भिगो के रख दिया। अब इधर ये जो मैंने लिया है, इसमें मैंने, अगर मैं टेबल स्पून के हिसाब से देखूँ तो 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें बेसन, और ये 3 लोगों की फुल पेट सर्विंग के लिए बन रही है ये जो कढ़ी बन रही है। और 1 बड़ा चम्मच बेसन का डाला है, मथनी के हेल्प से, विस्कर के हेल्प से आप अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा, ताकि बेसन के जो लम्ब्स हैं वो गांठी ना पड़ने पाए। अच्छे से हम फेंट लेंगे, और हम इसमें नमक पहले ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड कर लिया मैंने 2 कप, इसमें 2 कुल्हड़ भर के पानी डाला है, क्योंकि 3 लोगों के सर्विंग के लिए चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बनानी, और इसलिए मैंने बेसन भी कम ही लिया है। 1 प्याज चॉप करूँगी, 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को और हरी मिर्च को मैं क्रश करूँगी मामदस्ते में, क्योंकि इस तरह की कढ़ी जब हम बनाते हैं ना, कढ़ी में जो क्रश करके हम लहसुन डालते हैं ना, उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग आता है, और वो टेस्टी भी बहुत होती है, और खाने में इतनी हल्की, इतनी लाइट और इतनी टेस्टी होगी ना, कि आप एक बार बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। कढ़ाई को गर्म किया, कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। इसी सरसों के तेल में हमने सारे काम करने हैं। अलग से हम सोयाबीन की बड़ियों को फ्राई करके बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ज़्यादा तेल का हमने कोई काम करना ही नहीं है। तेल गर्म हुआ, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, हींग डालना मैं भूल गई थी, लेकिन आप हींग भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी रहेगी गर्मियों में। सोयाबीन की बड़ियों को बाद में डालेंगे, उससे पहले हम जो हमने 1 प्याज जो मैंने लंबा लंबा चॉप किया था उसको ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। थोड़ा सा भूनने के बाद बस हम अपनी लहसुन का और जो हरी मिर्च का पेस्ट क्रश किया हुआ उसको भी ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी सी भून जाएगी तो हमारी जो न्यूट्रेला की सोया बड़ी है, इस सोया बड़ी को हम निचोड़ के इसके साथ अच्छे से प्याज टमाटर ऑयल के साथ अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा मसाले हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, गर्मियाँ हैं, ज़्यादा मसाले भी अच्छे नहीं होते। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं छाछ के साथ डाल चुकी थी, और नमक अभी ऐड नहीं किया है। मसाले इसमें सिर्फ हल्दी और धनिया पाउडर गया है, और कोई भी मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बढ़ा सकते हैं, और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस क्योंकि एकदम देसी स्टाइल में बना रही हूँ, मैंने ना बनारस में इस तरह की कढ़ी खाई थी, और मैं तो इसकी फ़ैन हो गई थी जिसके घर मैंने खाई। इतनी झटपट गर्मियों में गए थे हम पीक टाइम पर, तो उन्होंने इस तरह की कढ़ी बना के खिलाई थी, बहुत ही लाइट सा फील हुआ। तो अब मैं इसी तरह से बना रही हूँ गर्मियों में। जब एक बॉईल आ जाए कढ़ी में, तो आप इसमें तब नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब तक इसमें बॉईल नहीं आता है कढ़ी में, तो नमक अगर पहले डाल के हम स्टर ना करें, लगातार चलाएं नहीं कढ़ी को, तो फटने के चांस रहते हैं। तो मैंने उसको सिम करके रख दिया था बॉईल आने के लिए, और साथ में मैंने बहुत सारे काम जो थे किचन के वो भी निपटा लिए थे। फिर नमक भी ऐड कर दिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार करेंगे, और टोटल 20 से 25 मिनट लगते हैं। जितना हम कढ़ी को पकाते हैं ना, उतना वो टेस्ट वाली होती है। टोटल 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। और आप ना, सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमने न्यूट्रेला की जो सोया बड़ी है उसको बहुत अच्छे से क्रिस्प किया है मसालों के साथ, तो उसका फ्लेवर जो कढ़ी में भी पकने के बाद जो आता है ना, क्रिस्प वाला आता है, एकदम गला गला सा गीली गीली सी सोया बड़ी वाला फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता। हरे धनिया की गार्निशिंग, हरे धनिया का जो अरोमा होता है ना इस कढ़ी के अंदर, बहुत ही अच्छा होता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।